Today we are discussing about divestment strategy. What is the meaning of divestment strategy? Divestment strategy का मतलब होता है कि ये एक dropping of activity होती है, जैसे कि कोई business है जो long term से चल रहा है, long term से loss झेल रहा है, उसको long term से loss हो रहा है, तो वो क्या सोचे कि मुझे इतना loss हो रहा है तो क्यों ना मैं अपने कुछ प्रोडक्शन फंक्शंस हैं, जो भी उसके फर्म्स के फंक्शंस हैं, उनको वो सेल कर दे या फिर वो लिक्विडेशन कर दे. लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी उसको टेक ओवर करना चाहती है उसको वो सेल बेच दे. तो दो रीजंस होते हैं. अगर कोई कंपनी है जो बहुत समय से उसको लॉस हो रहा है और बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसके पास यही ऑप्शन रह जाता है डाइवेस्टमेंट का. तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ड्रॉपिंग सम ऑफ प्रोडक्ट मार्केट और फंक्शंस, मतलब जो भी फंक्शंस है वो. द ड्रॉपिंग ऑफ एक्टिविटी और बिजनेस कैन बी अटेन एदर थ्रू सेल और या फिर लिक्विडेशन. देयर आर सेवरल रीजंस. कुछ ऐसे रीजंस हैं ऑब्जेक्टिव फॉर अडॉप्टिंग डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी. कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू डाइवेस्टमेंट कर दिया जाता है फर्म्स के द्वारा. अट्रैक्टिव ऑफर फ्रॉम अदर फर्म एट अ टाइम. कंपनी में गेट अट्रैक्टिव ऑफर फ्रॉम एन अदर फर्म. कोई कंपनी है जब देखती है कि बाबा ये फर्म का तो ऐसा लॉस चल रहा है, तो ये कंपनी क्या करती है, कहती है कि ठीक है हम आपको इतना ऑफर दे रहे हैं, आप हमें ना, मतलब कोई भी कंपनी है अमाउंट ऑफ गुड्स में, जैसे कि करंट बिजनेस है देयर फॉर इट मे डाइवर्स इट करंट बिजनेस टू गेट गुड अमाउंट ऑफ फंड. द फंड मे बी देन यूज इन अनदर लाइन ऑफ बिजनेस. तो क्या होगा, जैसे कि लॉस में जा रही है तो ये बिजनेस क्या करती है, जैसे कि एग्जाम्पल दो बिजनेस हैं. अब ये बिजनेस बड़ा लॉस में जा रहा है, तो क्या होगा, ये बिजनेस क्या करेगी, ये बिजनेस बोलेगा ठीक है बाबा तू ऐसा कर, तू है ना अपना बिजनेस मुझे दे दे. तो ये बिजनेस इसको दे देगी. अब इसके पास तो कुछ नहीं है, तो जो पैसे है ना उससे ये न्यू बिजनेस क्रिएट कर लेगी. तो ये अच्छा ऑफर रहता है इनके लिए. अभी ये तो कब से लॉन्ग टर्म से लॉस में जा रही है, तो इसके पास तो डाइवेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी और कुछ तो है ही नहीं, तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे. देन बेटर अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे क्या होगा, बेटर अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अ फर्म में फाइंड अ बेटर अल्टरनेटिव टू इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इट मे डाइवर्ट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव बिजनेस. फॉर इंस्टेंस द फर्म मे इन्वेस्ट न्यू प्रोडक्ट लाइन विच मे हैव गुड डिमांड इन द मार्केट. क्या होगी कि जब कोई कंपनी है बहुत देर से लॉस में जा रही है, तो वो सोचेगी कि मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मार्केट में डिमांड हो, ऐसे गुड को इन्वेस्ट करता हूँ. तो उसके लिए भी उसके पास तो अभी पैसे ही नहीं है, वो तो लॉस में जा रही है, तो क्या होगा, कुछ फंक्शंस या फिर कुछ पार्ट्स को सेल कर देगी, एंड देन उसका जो सेल करके जो रिफंड जनरेट हुआ है उसको फिर न्यू थिंग न्यू गुड को इन्वेस्ट करेगी जहां पे मार्केट में डिमांड है. कभी कभी क्या होता है कि कोई फर्म्स होती है जिनका मतलब उनका ग्रोविंग करने के लिए वो मैनेज नहीं कर पाते अपने बिजनेस फर्म को, उनके ग्रोथ में इतना काम होता है, इतना सारी चीजें होती है, तो वो क्या करेंगे, फर्म्स क्या करती है कि मैनेज करती है. जैसे कि उनके दो होते हैं, कोर बिजनेस होता है, नॉन कोर बिजनेस होता है. कोर बिजनेस जो कि फर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे फर्म को बहुत ही नीडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वो लोग क्या करेंगे, जो नॉन कोर है ना, नॉन कोर को डाइवेस्ट कर देंगे, मतलब कि उनको सेल कर देंगे या फिर किसी कंपनी को डाइवेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनसे नहीं संभाला जा रहा है. ओके, तो वो लोग डाइवेस्ट कर देंगे, तो कंसंट्रेशन ऑन कोर बिजनेस में ध्यान देते हैं. तो ये भी एक रीजन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि है डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम. डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि ग्रोविंग फाइनेंशियल बर्डन सच एज डेट सर्विसिंग मे फेस डाइवेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड रिपे लोन. इसकी वजह से क्या होता है कि इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है वो लोगों के सर पे, और इतना बर्डन होता है डेब्ट का, कर्ज का इतना बर्डन होता है कि उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस पार्ट का कुछ चीजें हैं जो बिजनेस का, जैसे कुछ फंक्शंस है, कुछ चीजें हैं उनको बेच देंगे. कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे फंक्शंस वगैरह, प्रोडक्शन, फाइनेंस, कितना सारा है, तो कुछ निकाल देंगे अपने प्रोडक्ट में से ही, कुछ निकाल देंगे जिससे कि उनका डेब्ट जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. तो इसलिए भी ये लोग डाइवेस्ट करते हैं. डाइवेस्ट मतलब वही होता है जो मैंने पहले बताया था, मिसमैच ऑफ बिजनेस. मिसमैच बिजनेस में क्या होता है कि ये मिसमैच हो जाती है, जैसे कि सच अ बिजनेस में डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी. इंटीग्रेट नहीं कर पाते, देयरफॉर फर्म में इनिशिएट गेट रीड ऑफ न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस एंड क्विकली पॉसिबल सो एज अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम. तो इसलिए ये क्या करते हैं, डाइवर्स कर देते हैं.
नेगोशिएट कैश फ्लो. कैश फ्लो में क्या होता है कि अ फर्म मे गेट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस. जैसे कोई बिजनेस है उसको नेगेटिवली उसको कैश मतलब परफेक्ट नहीं मिल रहा है, उसको नेगेटिव ही फ्लो मिल रहे हैं, अच्छा रिटर्न्स नहीं आ रहा है. रेवेन्यू फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस मे बी लो कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर इकर. जितना एक्सपेंडिचर हुआ नहीं उतना तो उसका लॉस हो रहा है. दिस क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम. इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होती है. इसलिए एंटायर ऑर्गेनाइजेशन देयर फॉर इट वुड बी एडवाइजेबल टू डाइवर्ट सच अ बिजनेस. जब पूरी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई पैसे आ नहीं रहे, आपको कोई रिटर्न्स मिल नहीं रहा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो उनको तो एक ही सजेशन दिया जाएगा कि भाई तू अपना बिजनेस सेल कर दे, जो तुझको खरीदना चाहता है उसको बेच दे. तो ये एक ऑप्शन हो जाता है, इसलिए उसको भी डाइवेस्टमेंट बोलेंगे. फिर ऑब्सोलेट प्रोडक्ट हो जाते हैं. ऑब्सोलेट प्रोडक्ट में क्या आएगा कि ऑब्सोलेट प्रोडक्ट विच नो लॉन्गर ब्रिंग गुड रिटर्न टू द फर्म. यहाँ पे भी ये है कि जो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो उसको बेच दो ना, उसको सेल कर दो, जो ले रहा है उसको सेल्स कर दो. जैसे कि बजाज ऑटो ने किया था. बजाज ऑटो हैड डिसकंटिन्यू टू ऑपरेशन ऑफ इट्स स्कूटर यूनिट, और इसलिए क्या किया उसने, सोनी हैज विदड्रॉ इट्स वॉल्कमैन फ्रॉम मार्केट. ओके, देन है नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन. इतना सारा कॉम्पिटिशन होता हो जाता है कि एक तो ये बंदा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से लॉस झेल रहा है, ऊपर से कॉम्पिटिशन, तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई मैं अपना अभी जो ये फर्म है ना मेरा, इसको डाइवर्स कर देता हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या होता है. डाइवर्स का मीनिंग इन सिंपल वर्ड में मैंने क्या बोला कि कोई बिजनेस का जैसे कोई पार्ट है या फिर कोई गुड्स है या फिर बिजनेस खुद, तो क्या होता है डाइवेस्ट का मतलब क्या, ड्रॉप कर देना, मतलब कि उसको अभी आप निकाल रहे हो, उसको बेच देना, सेल कर देना, या फिर लिक्विडेशंस. अब आपके ऊपर है कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट को बेच रहे हो, एक फंक्शंस को सेल कर रहे हो, या फिर पूरे के पूरे बिजनेस फॉर्म को किसी और को सेल कर दे रहे हो, टेक ओवर करा दे रहे हो, जो आपको टेक ओवर कर रहा है आप उनको सेल कर देते हो. तो इस तरीके से रिटर्न टू, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या होगा कि बट कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन में क्वाइट हाई एंड फर्म में नॉट बी पोजिशन इन्वेस्ट. फर्म इतनी अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होता है कि फर्म के पास इतना पैसा नहीं है, जो लॉस में जा रही है फर्म उसके पास कहाँ से पैसा आएगा. और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि अलग अलग न्यू मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, समथिंग न्यू हो रहा है यहाँ पे, तो अब इस बिजनेस मार्केट में तो ये फर्म चलने वाला ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से ये लोग क्या सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, डाइवेस्ट कर देते हैं. जो भी बिजनेस से फंड मतलब बिजनेस टू जनरेट फंड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो भी फंड होगा मतलब कि कुछ पोजीशंस हैं, कुछ पार्ट्स हैं बिजनेस के, जिनको सेल कर देते हैं या फिर डाइवर्स कर देते हैं, उससे जो फंड हमको जनरेट होगा हम वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगा देते हैं. तो ये भी सोच हो सकती है. रिटर्न टू शेयर होल्डर. अब क्या होता है कि डाइवर्स टू इंक्रीज शेयर होल्डर रिटर्न. दे मे डाइवर्स सर्टेन यूनिट और बिजनेस विच अनपरफॉर्मिंग. जो भी बिजनेस में अनपरफॉर्म कर रहा है, जो भी सेक्टर, जो भी डिपार्टमेंट अनपरफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, जो अनपरफॉर्म हो रहा है उसको सेल कर देंगे, डाइवर्स कर देंगे, किसी और को बेच देंगे, और फिर उससे जो जनरेट होगा तो उससे वो रिटर्न टू शेयर होल्डर को जो पैसे दिए थे उनको भी तो रिटर्न करना है, तो ये सारी चीजें करते हैं. तो ये बात हो गई डाइवेस्टमेंट की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवेस्टमेंट. डाइवेस्टमेंट कहीं कुछ नहीं, बस एक ही चीज होती है. डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, डाइवेस्टमेंट एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि ड्रॉप कर देना, जैसे कि मार्केट और फंक्शंस में, जैसे जो भी सम ऑफ प्रोडक्ट है, कुछ एक्टिविटीज है और बिजनेस कैन बी अटेन एदर थ्रू सेल और या फिर लिक्विडेशंस. आपके पास दो ही ऑप्शन रहेगा, आप सेल कर दो कुछ पार्ट या फिर आप अपने पूरे बिजनेस को ही सेल कर दो. तो ये दो ऑप्शन रह जाते हैं, उसी को बोलते हैं डाइवेस्टमेंट. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना. थैंक यू सो मच.